Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel Tasca with MH. MH means Manahil Hafiz. So in today's video, I'm going to show you how to make a very delicious and very unique recipe, which I like to call the loaded pizza fries. So aaj se pehle aapne jitne bhi pizza fries khaye honge, ye aapko sabse zyada mazay ka lagega kyunki ye bahut tasty hai aur iska taste bahut unique bhi hai baaki sare types ke jo pizza fries hain. And if you make this for your kids, they're definitely going to love it because इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं. So if you want to try this recipe, then make sure you keep on watching the video until the end. So if you like this video, please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon so you can be the first one to watch my videos. Are you ready? Let's go. तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे fries fry कर लेते हैं. तो मैं यहाँ पर फ्रोज़न वाली यूज़ कर रही हूँ. आप चाहें तो आप होममेड ही यूज़ कर सकते हैं. तो क्योंकि मैं फ्रोज़न यूज़ कर रही हूँ, सो आई विल जस्ट फ्राई देम अंटिल देयर फुली फ्राइड ऑन मीडियम फ्लेम. और यहाँ पे जो है वो फ्राइज हमारी तैयार हैं, तो हम इनको डिश आउट कर लेते हैं. एंड टू अब्जॉर्ब एक्सेस ऑयल, आई हैव लाइंड द प्लेट विद द टिश्यू. And for the assembling part of this recipe, these are all the ingredients you will need, and I will tell you about them in detail as we go. So first of all, in a pan, I will be starting by adding my first layer. तो यहाँ पे जब मैं सबसे पहले fries की एक layer लगाऊँगी, so our base will be the fries. और fries जो हैं वो मैंने अपने pan के size के accordingly fry की थी, so that they're enough for the pan size. और ये pan के size के हिसाब से perfect हैं. तो पहली लेयर जो है वो मैं फ्राइज़ के लगा दूंगी, उनको अच्छी तरह से स्प्रेड भी कर लूँगी. और यहाँ पे मेरे पास है श्रेडेड बॉयल्ड चिकन, जिसको बोनलेस चिकन को मैंने पहले ही बॉयल कर लिया था, और उसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर ऐड करके बॉयल करके और फिर उसको जो है वो मैंने श्रेड्स कर लिए थे, तो मोटे मोटे श्रेड्स कर लिए थे. तो अब हम एक लेयर उसकी लगा देंगे. एंड वंस योर चिकन इज़ एडेड, मेक श्योर यू जस्ट स्प्रेड इट सो दैट इट्स इवनली स्प्रेड थ्रू ऑल द पैन. तो चिकन के बाद जो है वो हम एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बारबेक्यू सॉस. तो मैं बस इस तरह से थोड़ी सी बारबेक्यू सॉस लगा दूँगी. इससे जो है वो एंड रिज़ल्ट का जो फ्लेवर होता है, एंड फ्लेवर जो है वो आपको बहुत मज़े का लगेगा. सो आई एडेड बारबेक्यू सॉस. और बारबेक्यू सॉस के बाद यहाँ पर मैं डालने लगी हूँ चीज़. तो हियर आई हैव इज़ मोज़रेला चीज़. आप चाहें तो आप एडिशनली जायरो चीज़ भी ऐड कर सकते हैं. और मोज़रेला चीज़ जो है वो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1 कप ऐड की है. और इस रेसिपी की जो मेन लुक्स आती हैं वो बेसिकली चीज़ से ही आती हैं, सो दैट्स व्हाई चीज़ की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, बट द टेस्ट ऑफ दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी डिलीशियस. सो नाउ फॉर सीजनिंग, आई विल बी एडिंग फर्स्टली सम क्रश्ड ब्लैक पेपर. तो इसको जब मैं बस ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूंगी, जस्ट इनफ टू गिव इट अ गुड फ्लेवर. तो पूरे पे आप इसको इस तरह से स्प्रिंकल कर दें. और क्रश्ड ब्लैक पेपर के बाद यहाँ पे मेरे पास है नमक यानी सॉल्ट, और सॉल्ट को जो है वो मैं ब्लैक पेपर की तरह ही थोड़ा सा ही बस ऊपर से स्प्रिंकल कर दूँगी. और उसके बाद यहाँ पे है मेरे पास मैगी चोको प्रासा, जिसको बाकी कुछ कंट्रीज़ में मैगी टेस्ट मेकर भी कहते हैं. और इस तरह की इसकी पैकिंग होती है, और ये आपको इजीली मिल जाता है मार्केट में, और इसका इससे फ्लेवर जो है वो रेसिपी का आपका बहुत इन्हेंस हो जाता है. तो हम थोड़ा सा ये भी ऐड कर देते हैं ऊपर से. एंड क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा ही ऐड करूँगी. और इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास एक बहुत ही स्पेशल इन्ग्रीडियंट विच इज़ कॉल्ड सुमक पाउडर. और ये जो है एक बहुत ही फेमस सीरियन स्पाइस है, एंड इट हैज़ अ वेरी डिलीशियस टैंगी फ्लेवर, जिससे कि बाद में जो फ्लेवर है वो बहुत मज़े का हो जाता है. और ये थोड़ा सा रेड कलर भी ऐड कर देता है, विच लुक्स रियली ग्रेट. सो आफ्टर दिस आई विल बी एडिंग द मेन कलर पॉप ऑफ आवर रेसिपी, विच इज़ बेल पेपर्स यानी कि शिमला मिर्च, जिसको मैंने इस तरह के सर्कल्स में काट लिया है. और यहाँ पर मैंने तीनों कलर्स यूज़ किए हैं ताकि जो रेसिपी हमारी वो कलरफुल हो. और अब जो है वो मैं इनको ऊपर कलर्स को अल्टरनेट करके अरेंज कर दूंगी. एंड वंस दे बेक, दिस कैप्सिकम टेस्ट रियली रियली डिलीशियस, सो मेक श्योर यू ऐड दिस.
तो यहाँ पे जो है वो हमारे कैप्सिकम यानी बेल पेपर्स फुली अरेंज हो चुकी हैं, सो वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. तो नाउ आई विल बी एडिंग सम एडिशनल चीज़, क्योंकि ये जब बाद में बेक होगी तो इस चीज़ की मेल्ट होने से जो एंड रिजल्ट है वो बहुत अच्छी शक्ल आती है. सो आई विल जस्ट ऐड सम एक्स्ट्रा चीज़ फ्रॉम द टॉप. तो यहाँ पे जो है वो चीज़ मैंने ऊपर से ऐड कर दी है. सो नाउ वी कैन डू द वन फाइनल स्टेप बिफोर वी स्टार्ट बेकिंग दिस. तो अब जो है वो मैं इसकी फ्रेग्रेंस को इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी यानी कि फेनुग्रीक लीव्स, ड्राइड फेनुग्रीक लीव्स. इनसे जो है वो खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ऊपर से स्प्रिंकल कर दूँगी. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बेकिंग. So you're going to bake this at 180 degrees for up to 10 to 15 minutes or until the cheese is fully melted. And make sure ki isko oven mein dalne se pehle aap oven ko achhi tarah se preheat kar lein, because the hotter the oven is the quicker your work is going to be done. To ab hum isko achhi tarah se bake kar lete hain aur phir main isko reshape karke aapko dikhati hu. And there, alhamdulillah, our loaded pizza fries are ready. So as soon as you remove this from the oven, make sure you serve this warm, क्योंकि गरम गरम जब होता है ये तो उसकी चीज़ melted होती है and it tastes extra good. And I'm 100% sure that once you try this recipe, you will have to make this again because it's super delicious and super unique. और आपने पहले देख लिया कि रेसिपी को बनाना भी कितना सिंपल था और ये बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है. और अब जो है वो मैं आपको एक बाइट करके दिखाती हूँ. तो यहाँ पे आप देख लेंगे ये भी गरम गरम है और इस चीज़ का इफ़ेक्ट देख लें आप कितना मज़े का लग रहा है. ओके सो माई माउथ इज़ ऑलरेडी वाटरिंग लुकिंग एट दिस. एंड अगर आप चाहें तो आप इसको पैन के अंदर भी इंजॉय कर सकते हैं. एंड इफ़ यू एवर विश टू कट इट इनटू पीसेस देन यू कैन इजीली डू दैट. इसके इजीली पीसेस भी कट जाते हैं. So I hope you will try this recipe, and if you ever do, then as always don't forget to give me your feedback. So anyways, that's it for today's video. I hope you enjoyed it, and if you did then please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon, and I will see you in my next video. Bye bye, take care, have a nice day.